नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टाफ नर्सेस, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नई वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है 20 डॉक्टर 40 नर्सिंग स्टाफ की होगी नियुक्तियाँ, 5 को इंटरव्यू से होगा चयन। तो पूरा आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताने वाला हूँ। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 7 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है। तो बिल्कुल यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करते, सीधे से बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है COVID-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 20 डॉक्टर 30 नर्सिंग स्टाफ व 10 लैब टेक्नीशियन की मंजूरी दी है। इनकी नियुक्ति जिला अस्पताल बाड़मेर में होगी। पॉजिटिव केस लगातार बढ़ने की वजह से डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहे अस्पताल प्रशासन को राहत मिलेगी। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संविदा पर डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 5 को इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। CMHO डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने जिले में संविदा आधार पर 20 डॉक्टर 30 नर्सिंग स्टाफ व 10 लैब टेक्नीशियन लगाने की मंजूरी दी है। सभी पदों के लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। 5 को सुबह 10 बजे से डॉक्टरों का इंटरव्यू होंगे, 12 बजे से नर्सिंग स्टाफ के व 2 बजे से लैब टेक्नीशियन का चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में यहाँ पे देखिए वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं, जिसमें से देखिए 20 डॉक्टर 30 नर्सिंग स्टाफ और देखिए 10 लैब टेक्नीशियन को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। इनको यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और देखिए जो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है यहाँ पे जो रहेगा, डॉक्टर्स के लिए बताया जा रहा है 10 बजे से आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा 5 तारीख को, और देखिए स्टाफ नर्सेस के लिए 12 बजे से यहाँ पे इंटरव्यू शुरू होगा 5 तारीख को, और देखिए लैब टेक्नीशियन के लिए 2 बजे से इंटरव्यू यहाँ पे शुरू हो जाएगा 5 तारीख को। और देखिए लगातार यहाँ पे देखिए कमी पड़ रही थी, और यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे जो सेवाएँ थी बाधित हो रही थी, इस वजह से जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया है अब वैकेंसी यहाँ पर फिल करी जाएंगी। तो पूरा आर्टिकल मैंने आपको यहाँ पर रीड करके बताया, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई होगी। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पर वीडियो से मिली है तो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, दिल से इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। और दोस्तों देखिए, स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पर क्लिक कर लें। स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।